साव ने नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के लिए शहर की चल अचल संपत्ति एवं परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का कार्य एक निजी संस्था द्वारा किया गया है। उक्त निजी संस्थाओं द्वारा अकुशल युवाओं से किए गए संपत्ति कर निर्धारण को रद्द करने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस के नेतृत्व में शहर के सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन एकजुट होकर संपत्ति कर में बढ़ोतरी के विरोध में भव्य प्रदर्शन कर विरोध जताने की तैयारी में जुट गए हैं। 9 फरवरी 2024 को आयोजित मोर्चे के संबंध की जानकारी पत्र परिषद में दी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व नगर सेवक और समूह नेता सुनील साफीकर, वरिष्ठ नेता रामभाव उमाटी, डोमसाव सावजी, व्यापार संघ के सचिव मनोज बसवार, युवा कांग्रेस के राजेश खंकारी आदि ने 9 फरवरी को आयोजित भव्य मोर्चे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 2022 को नगर परिषद सावनेर के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अतुल मेत्री तथा मुख्याधिकारी रामेश्वर पंडागड़े, इन्होंने राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाएं, पत्रकार बंधु आदि की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर लिखित आश्वासन दिया गया कि बढ़ी हुई संपत्ति टैक्स के देयक नहीं दी जाएंगे तथा जब तक नगर परिषद में नए प्रतिनिधि नहीं चुने जाएगा तब तक इस बढ़े हुए प्रस्ताव को स्थगित देने का लिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने शहरवासियों पर लिखित वादे के बावजूद भी मुख्याधिकारी किरण बगड़े, प्रशासकीय अधिकारी संपत खलाटे द्वारा भारी भरकम संपत्ति कर देयक देने का आरोप लगाते हुए बढ़ाए गए कर को रद्द करने की मांग की। साथ ही वर्ष 2022-23 में शहर प्रशासन को संपत्ति से करीब 3,21,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस नए संपत्ति भुगतान के अनुसार 11 करोड़ यानी करीब 4 गुना अधिक राजस्व नगर प्रशासन के खजाने में होने के अनुमान होने के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जा रहे हैं। साथ ही अकुशल युवाओं का सर्वेक्षण कर इस तरह की दोषपूर्ण मूल्यांकन कर वसूली की जा रही है जिसे शीघ्रता से रोकने की मांग तथा जब तक लोगों द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि नगर परिषद में नहीं आते तब तक उक्त बढ़ा हुआ भुगतान रद्द करने की मांग को लेकर वे आगे भी आंदोलन जारी रखने की जानकारी इस अवसर पर पत्र परिषद में दी। इस अवसर पर उक्त भव्य आंदोलन में सम्मिलित शहर कांग्रेस कमेटी, व्यापारी संघ सामनेर, शहर महिला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार, रिपब्लिकन पार्टी, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन नीमा, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, जामा मस्जिद ईदगाह कमेटी, शाही मस्जिद कमेटी, अखिल भारतीय लोधी लोध महासंघ, ज्येष्ठ नागरिक संस्था, क्षेत्रीय लोनारी माई समाज पंच समिति, नाभिक एकता मंच, तालुका बार एसोसिएशन, धनकर समाज, तेली समाज आदि के संयुक्त तत्वावधान में 9 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे चीजपुरा से भव्य मोर्चा होली चौक, बाजार चौक, गडकरी चौक होते हुए गांधी जी के पुतले पर नए प्राप्त संपत्ति भुगतान पत्रकों का दहन करेंगे। इस आयोजन में शहर के सभी संपत्ति मालिकों से उक्त मोर्चे में शामिल होने का अनुरोध पत्र परिषद द्वारा किया गया है। पत्र परिषद में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व नगर सेवक वरिष्ठ नेता राम भाव उमाटी, डोमसाव सावजी, सुनील साफीकर, नीलेश पटेल, लक्ष्मीकांत द्यूटे, तेज सिंह सावजी, दीपक बसवार, शफीक सैयद, माया बुंदाली, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष वंदना कुंभारी, सावनेर कलमेश्वर, विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश खंकारे, आम आदमी पार्टी के संजय टेम्भेकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजू खांडे, व्यापार संघ सावनेर के सचिव मनोज बसवार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सादिक शेख, युवा सामाजिक कार्यकर्ता अश्विन और छोटे करोकार चंदू कामदार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। संघर्ष समिति ने 2022 में जो एक आंदोलन हुआ था उस समय में तत्कालीन जो प्रशासक अतुल मेत्रे और पंडागड़े, रामेश्वर पंडागड़े जो सीईओ थे, उन्होंने अपने को एक पत्र दिया था लिख के। वो पत्र आपके पास नहीं है कि जिसके अंदर में वो जब तक यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं आते नहीं वो भी है तो तब लेखी देने के बाद भी वो अभी जबान से मुक्त उन्होंने लिखी दिया पत्र कहाँ है लगाया है दिया है तुम्हारे को पत्र आपको लगाया है वो भी दिया है उन्होंने आश्वासित किया था पीछे के बाद में लगाया है जब तक के बॉडी बैठती नहीं तब तक के अपन सर्व पत्रकार इधे आमंत्रित करना चे कारण नगर परिषद ने सावनेर वासियांवर लादलेला अवाढव्य असा प्रॉपर्टी टैक्स दर 4 वर्षांनी हा टैक्स की असेसमेंट करून वाढवायचा एक प्रथा किंवा परंपरा किंवा नियम आहे। त्या हिशोबाने यावेळी नगर परिषदेची कोणतीही सत्ता म्हणजे बॉडी नसतानी निवडून आलेले अधिकृत सदस्य नसतानीही प्रशासक अध्यक्ष आणि मुख्य अधिकारी या
नगर परिषदेने मनमानी कारभार करून टॅक्स असिस्टमेंट केलं, पुन्हा पुनर मोजणी ज्याला म्हणतात आपण, पुन्हा टॅक्स असिस्टमेंट केलं, प्रत्येक घराच्या मोजमाप केलं, मोजमाप करून जो टॅक्स जनतेवर लावला तो इतका अवाढव्य आहे की लोकांना या परिस्थितीत भरणे शक्य नाही. मुख्य मुद्दा एक महत्त्वाचा सांगतो की ज्यांना 2000 टॅक्स होता त्यांना लाखावर पोहोचून दिला. जेव्हा की एक ज्यावेळेस मागच्या वर्षी जे टॅक्स वृद्धीचा विषय आला होता तेव्हा आम्ही डेप्युटेशन घेऊन गेलो होतो नगर परिषदेमध्ये, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की जे जुने घरं आहे ना गावातील, त्या जुन्या घरांवर आम्ही 10% टॅक्स वाढवू, जे नवीन बांधलेले घर आहे त्यांच्यावर आम्ही असिस्मेंट करू. आम्हाला तो मुद्दा मान्य होता, त्यांनी लेखी दिलं की जोपर्यंत नवीन बॉडी येत नाही निवडून तोपर्यंत आम्ही टॅक्स वाढवायचे बिलं देणार नाही किंवा वाढीव टॅक्स घेणार नाही. परंतु निवडणुका न होताच त्यांनी शब्द फिरला आणि लोकांना नव्याने वाढवून दिलेले नोटीस आले. टॅक्स असिस्मेंट ज्या लोकांनी केलं आहे, जी एजन्सी दिली होती त्यांना 80 लाखाचे सर्व्हेचे काम दिलं होतं, त्या लोकांनीसुद्धा या मोजमापामध्ये अफरातफर केली असा आमचा आरोप आहे. काही लोकांना खूप अवाढव्य टॅक्स आला आहे, काही लोकांना नाही आला आहे. या मोजमापाच्या किंवा त्यांनी जे सर्व्हे केला त्याच्या आम्ही विरोध करतो, मागणी करतो की हा सर्व्हे रद्द करावा पूर्ण आणि नव्याने जे घरं नवीन बनले आहेत त्यांचा सर्व्हे करावा, त्यांच्यावर टॅक्स वाढवावा. जे जुनं घरं आहे त्यांच्यावर फक्त 10% घर टॅक्स वाढवून त्यांना बिलं देण्यात यावी, जेणेकरून जनता ते टॅक्स भरू शकेल, त्यांचे कंबरडं मोडणार नाही, असं निवेदन आम्ही त्या दिवशी मुख्य अधिकाऱ्यांना दिलं. परंतु त्यांचा काही असा त्या निवेदनावर फारसा खूप करतील असं वाटत नाही, म्हणून असं ठरण्यात आलं की आता याच्यापुढे आंदोलन गेलं पाहिजे. हे आंदोलन समोर कशा पद्धतीने जाईल याची एक रूपरेखा आखण्यात आली काँग्रेस पक्षातर्फे, की आपण एक गावातील लोकांना नेऊन तिथे एक जे टॅक्स वाढले आहे, जे अन्याय झाला, या अन्यायाविरुद्ध आपण नगर परिषदेवर एक मोर्चा काढावा. तिथे मुख्य अधिकारी SDO जे आहे आपल्याकडे प्रशासक, त्यांना याचे निवेदन द्यावं. इथेही जर आपल्याला इथे न्याय नाही मिळाला किंवा हे पुनर् हे जे आता सर्व्हे झाला हा रद्द करण्यात आला नाही, तर आपण याच्यावर कलेक्टर साहेबांपर्यंत जाऊ आणि ही मागणी रेटून धरून राहू. NBC न्यूज के लिए सावने से किशोर ढोंडेली की रिपोर्ट.